पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने छापे मारे हैं। दरअसल पशु तस्करी के आरोप हैं और पशु तस्करी के मामले में ही सीबीआई की कार्रवाई है। सीबीआई कार्रवाई करते हुए छापे मार रही है। विनय मिश्रा फिलहाल फरार है। विनय मिश्रा कहाँ है ये नहीं पता। सीबीआई ने इसके चलते लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में रविकांत राय मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे कोलकाता से। रविकांत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए नैना, अब अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोलकाता में लगभग 6 जगहों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। उसमें सॉल्ट लेक का इलाका है और इसके अलावा न्यू टाउन और ओल्ड कोलकाता में जो विनय मिश्रा है उसके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में कैटल स्मगलिंग भी एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कैटल स्मगलिंग करने वाले कुछ एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं। तो ये विनय मिश्रा जो हैं वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप है और सीबीआई उनकी तलाश कर रही है। फिलहाल वो कोलकाता में मौजूद नहीं है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जो रेड है वो पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है और 6 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इसके अलावा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ कोलकाता आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैटल स्मगलिंग जो है ये पूरी तरीके से सिंडिकेट है और कैटल के बदले में बांग्लादेश से गोल्ड मिलता है उन लोगों को और वो पैसे को यहाँ पर लाकर गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई सीबीआई की सुबह ही सुबह, और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे ऐसा प्रतीत होता है कि कैटल स्मगलिंग मामले में सीबीआई बड़ी कार्रवाई करेगी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका रविकांत शुक्रिया। तो कार्रवाई लगातार जारी है और आपको बता दें टीएमसी के महासचिव हैं विनय मिश्रा, फिलहाल वो अभी भी फरार हैं। लगातार अभी अब तलाश भी जारी है।